जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टार क्रिकेटर विराट सोलंकी को जो है आज बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि शिवाज सिंह ओबेरॉय ने जो है इवेंट के बीचों बीच अपनी टीम सुपर स्मैशर के कप्तान विराट सोलंकी के ऊपर हाथ उठा दिया। मिस्टर ओबेरॉय, पहले आपने विराट सोलंकी जैसे मशहूर क्रिकेटर को 20 करोड़ रुपए में खरीदा और फिर अपनी टीम के जर्सी लॉन्च इवेंट में उन पर हाथ उठा दिया, आखिर क्यों? विराट सोलंकी देश के सबसे बड़े क्रिकेटर हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उनसे पंगा आपके लिए महंगा पड़ सकता है? क्या आपको नहीं लगता कि इसका बुरा असर आपकी टीम सुपर स्मैशर्स पर भी पड़ेगा? मिस्टर ओबेरॉय, क्या आपके गुस्से की वजह आपकी एक्स वाइफ मिस अनेका का विराट सोलंकी के साथ रैंप वॉक पर चलना था, या फिर आपकी विराट के साथ कोई निजी दुश्मनी? अनिका जी, आप विराट सोलंकी को कब से जानती और आपका उनके साथ रिश्ता क्या है? से आप उनके साथ रैंप वॉक क्यों कर रही थी, वो भी अपने एक्स हस्बैंड शिवाय सिंह ओबेरॉय के इवेंट में? और हमें तो पता लगा है शिवाय सिंह ओबेरॉय ने दूसरी शादी की है, तो फिर आपका उनके साथ क्या रिश्ता? Okay, that's enough. जो पूछना है मुझसे पूछिए, अनिका से नहीं। तो फिर आप ये भी बता दीजिए कि आपने विराट सोलंकी के ऊपर हाथ क्यों उठाया था? कहीं इसकी वजह आपकी एक्स वाइफ अनिका जी तो नहीं है? कहीं आपको अपनी एक्स वाइफ का विराट सोलंकी के साथ रैंप वॉक करना अच्छा नहीं लगा? वैसे आपकी दूसरी बीवी कहाँ है? क्या यही है आपकी दूसरी बीवी मिस्टर ओबेरॉय, जो इस वक्त आपकी फैमिली के साथ यहाँ आई है? तो ओबेरॉय, आपने अभी तक अपनी दूसरी बीवी के बारे में प्रेस स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, क्योंकि अभी तक कोई समझ नहीं पा रहा है कि आपकी दूसरी शादी हुई भी है या नहीं। और अगर की भी है तो आपकी दूसरी बीवी कौन है? बताइए मिस्टर ओबेरॉय, कौन है आपकी बीवी? अनिका या मिस्टर ओबेरॉय? बताइए मिस्टर ओबेरॉय, कौन है आपकी बीवी? बताइए मिस्टर ओबेरॉय, कौन है आपकी बीवी? कौन है अनिका के साथ? बताइए मिस्टर ओबेरॉय, बताइए मिस्टर ओबेरॉय, कौन है आपकी? बताइए मिस्टर ओबेरॉय, क्योंकि आपका अभी तक अनिका के साथ डिवोर्स नहीं हुआ है। बताइए मिस्टर ओबेरॉय, आपको बताना पड़ेगा। आप लोगों का कंफ्यूजन दूर कर देता, मेरी बीवी पूजा है। ये हो गया पता है। रुकिए रुकिए, भाभी आप कहाँ जा रही है? मुझे यहाँ नहीं जी। शिवो, मैं अभी कहा ना कि मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं ये कह रहा था कि पूजा मेरी बीवी है, लेकिन नकली है। नकली बीवी, इसका क्या मतलब हुआ मिस्टर ओबेरॉय? जो पंडित नकली, मंत्र नकली, शादी बिना गठबंधन के, बिना मंगल सूत्र पहनाए, बिना सिंदूर भरे हुई हो, तो उसे क्या कहेंगे? नकली कहेंगे ना? कल भी मेरी बीवी अनिका थी और आज भी मेरी बीवी अनिका है। अगर ऐसा है तो अनिका जी आपकी फैमिली के खिलाफ क्यों गई और आप दोनों अलग क्यों हुए? फैमिली के खिलाफ कि क्या बोल रहे हैं? मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुका हूं, एक बार और कहता हूं, अनिका और मेरे बीच जो है वो हमारा है। और इसलिए इस बारे में मुझे किसी को भी, आई मीन किसी को भी कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। डू यू गेट दैट? डू यू गेट दैट? तो फिर मिस पूजा जी का क्या? हाँ हाँ शिवाय, भले ही ये शादी नकली थी, लेकिन मैंने आपको अपना असली पति माना है।
पर इस शादी को भी असली माना। तुम्हें ड्रामा करने का इतना शौक है ना, तो स्टेज पर जाकर करो, मेरी जिंदगी में नहीं। बिल्कुल सही कहा शिवाय। जब तुम पहली बार घर आई थी ना, मैंने तुम्हें कहा था वापस चली जाओ इससे पहले भैया आ जाए। नहीं गई, अब भुगतो। तो फिर आपने नकली शादी क्यों की? की नहीं, करनी पड़ी। मेरी बुआ की वजह से, उन्होंने मुझे इस लड़की से शादी करने पर मजबूर किया, ब्लैकमेल किया, और इसीलिए मैंने इस लड़की से शादी किया। ये उनकी एक चाल थी। बुआ की चाल? मतलब शिवाय की शादी जो बुआ ने मुझे दिखाई थी वो एक नाटक था और मैंने उसे सच मान लिया। देखो मुझे लग रहा है टाइम आ चुका है कि तुम अपना ड्रामा खत्म कर लो। ठीक है, चुपचाप चली जाओ, नहीं तो जेल जाओगे। ओह गॉड, क्या प्लान किया था और क्या हो गया, कुछ सोच पूछा? वरना अब तक जितनी भी मेहनत की है सब बेकार चली जाएगी। हेलो, मैं कह रहा हूँ पुलिस लेके जाएगी, जाओ। लगता है अब चुटकी वाला पत्ता फेंकना ही पड़ेगा।